हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड अलोन फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है कंपनी की ओर से, जो कि कवर करेंगे। और गाइस, कंपनी की ओर से 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, और इसके ब्लू क्लोजर जो है डिविडेंड पेमेंट डेट वगैरह भी जो है सो डेट जो है सो डिक्लेयर नहीं किया गया, और ये एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, पहले कॉन्सोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर, यहाँ पे जो है हम लोग रिजल्ट को कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके और पहले गाइस क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे। और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो दिए गए हैं मिलियंस में नंबर्स है। इनकम 192.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 173.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 223 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 138.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 153.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। जिसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 43.7 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 69.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 39.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 50.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 2.29 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भले इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। वहीं फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम है 740.4 करोड़ का, 23 में 744.9 करोड़ का इनकम तो डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 510.6 करोड़ का, 23 में 528.3 करोड़ का, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम है, और 9.7 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च भी हुआ है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 220 करोड़ का, और 23 में 216.6 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया क्योंकि एक्सपेंस बहुत कम किया गया था। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 163.7 करोड़ का, और 23 में 160 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 9.44 रुपीज़ का, 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट एवरेज है, क्योंकि रीज़न क्या है कि ईयर ऑन ईयर के इनकम और प्रॉफिट दोनों में डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया और फिनांशियल ईयर एंडेड में भी इंक्रीज किया, इसलिए गाइस कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया। मैं अगर शेयर की बात करें तो 378 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर कल क्लोज किया था, 0.12% का माइनस का फॉल हुआ था। वन मंथ में 1.7% का फॉल लॉस हुआ है, सिक्स मंथ में 3.6% का प्रॉफिट। और गाइस, कंपनी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था, लेकिन अब जिस तक रिजल्ट पेश किया, अगर मंडे के दिन अगर ये वापस से फॉल देखने को मिलता है, लेकिन नेगेटिव में ओपन होता है, तो गाइस वापस से सपोर्ट ले सकता है, और 362 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट ले सकता है कंपनी अगर मंडे को फॉल होती है। तो हम लोग जो है वीडियो, और इसलिए गाइस अगर आप मंडे को फॉल होता है तो आप इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एंट्री करने से बच सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी शेयर ले रखे गए तो आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।